महापुरुष मामीदेव या पुत्र मतियो देव भागवंत देव मादे देव लालन देव मेघा देव मर्चंदेव जी अगर पान गाल करियूं तो मर्चंदेव पानी चौंता कर रूम समझो खरेखर राजा जो को वो ये रूम समझो राजा टानो मामी देव टानो मंगी भी वो तो उनके पान उन्हीं जी याद में अज पानन जी कथा एकड़ी मुझी बुद्धि अनुसार मर्चंद जी सुनाए रहे हो या तो इन कथा कहीं जरूर जरूर आंजे हृदय में उतारी जा कारण कि ही कथाओं जो कोई न इतिहास से पन्ने जी कथाओं अने मर्चंदेव जी कथा उन टाइम मते लखा जी भी है उन टाइम मते इतिहास जी पन्ने में लखानी है कि आज जी सुधी कथा बोला जेती कि मर्चंदेव जी कथा खरेखर महापुरुष भारत के आजाद कराला करने एड़ा मर्चंदेव जड़ा पंजी कुर्बानी देनो अने भारत के आजाद करायो कारण के जो इतिहास गवाही महापुरुष मामीदेव खरेखर ईश्वरी अंश मामीदेव जा जो सबंधवान अटोरा आलम सेवा रजवाड़ सेवा मामीदेव जा सबंध जो राजपाटवा एनी से पड़वा कच्छ जी मथे पण माराव सरी से एनी जा सबंध हुआ अने घट गोमली जी साइड में पण जड़े अड़ा जेठवा हुआ एनी से पण एनी जा अड़ा सबंध हुआ इले मामीदेव एकड़ो समय नकी क्यों कि आज आऊँ घट गोमली तरफ मामीदेव रवाना थिए था अने माँ भूरी के यहीं चेता कि देवी अज आऊँ घट गोमली वजा तो कारण के जेठवा पण मुझे शिष्य ही अने मुख्य उन्हीं से मिलनू है घणो टाइम थे जो संदेश अची रो है तो मुख्य अज गोमली तरफ वेणू खपदो इले मामीदेव गोमली घट गोमली जैके पा चाहूँ था घट गोमली तरफ मामीदेव वे था मामीदेव अगम निगम अगोचर भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान कथे वाला व्यक्ति मामीदेव रवाना थे घट गोमली पुगाई अने उते जेठवे जो राज जेठवे से साथे मामीदेव जा संबंध सारा हुआ अने घट गोमली जी अंदर में मामीदेव के जेठवार के छो कि महाराज जडे आया हो तो आई बुचा डी रोको पान सत्संग करूँ तो इन्हीं जो आग्रह के हिसाब से महापुरुष मामीदेव गोमली जी अंदर में रोकई घो टाइम थी वो इनके यहीं थो एडा माँ भूरी देवी के चिंता थी कि मामीदेव काफ़ी टाइम थे गोमली साइड में वेहाई अने हजी सुधी पाछा ना वरिया कारण के पतिवता धर्म जो पालन करे वाली देवी इनके हमेशा चिंता थी कोई पण स्त्री वे पति धर्म पतिवता धर्म जो पालन करे वाली देवी वे थी इनके हमेशा चिंता थी महापुरुष मामीदेव जेठवे जे साथे वेठा माँ पूरी के यही थी कि मामीदेव अजी आया कि तरह मामीदेव तो सत्संग में पिंजे अंतर ध्यान में बैठा आई अने माँ पूरी मर्चंद के यही चेती के पुत्र तू वन अने तुझे अवा के याद डेरा कि आज कच्छ जी भूमि के बोली की भी आयो माँ पूरी मर्चंद देव के अलाइए था अने माँ ब्राह्मण करिए था पुत्र के पुत्र तू वन अने तो जवा के याद ले रही जे क्याने समय थे ही योग अच आई पाचा हाल इनके बाद जने भूरी के यहीं थे कि मर्चंद व्यू अने हजी सुधी पाछो की ना आयो मर्चन सामे मामीदेव के घट गोमली मथे मिलेला वने मर्चन देव तो व्या पर साथे साथे मतिये के पण रवानो कारण के ही कथा इन कथा जो मोड़
एन टाइप जो है कि मर्चन देव घट गोमली मथे पिंजी दे जी आहुति दिनो हो अने आहुति किन रीते देवाणी ये आईडी सुधी समाज के खरे खर खबर पान गोमली वो था तो गोमली जो महिमा करो गोमली जो महिमा एटलो जे कि मर्चन देव पिंजी आहुति दिनो अने घट गोमली मथे गोले जो गलोले जा गा थिया ई जल्यो उन दरमियान पान शास्त्र जी अंदर में पण इनके गोमली जी विनती चवा जी विनती जे स्वरूप में पण बोला जी ज्ञान जी द्वारा पण बोला जी अने उमारे जी द्वारा पण बोला जी कारण के ही तो सोन है मातंगडी जो ज्ञान ई सोर वालो सोन है तो पान उमारे जी स्वर में गोमली के स्वरूप डनायू तो उमारे जी स्वर में महापुरुष मामी देव पिंजे सूत्र जी अंदर में समझाई था अने कुर्चे था हे देव मुजा मर्जद ताली ओ एडेव पगे ता हे पंदरे देव हे करे जब उमारो हे मण चंद ए हलियो हे देवनी हे देव मुजा मण चंद तारायो हे देव आयो हे गडारे गोमली हे धाम में उमारो हे मण चंद आयो हे दे मर्चन देव घट गोमली अचे था घट गोमली पुजे था तपास करिए था कि घट गोमली जी अंदर में वेठाई अने मर्चन देव पहलो गोमली जी धार मथे अचे था अने मामी देव जी तपास करिए था कारण कि मामीदेव जेठ में बेगा सत्संग जी अंदर में वेठा आई अने मामीदेव ध्यान मग्न थई वई तरे पुत्र मर्चंद गट गोमली जी अंदर में पगो है अने पंजे अवा जी तपास करिए था तो जावा जेठ में बेगा वेठा आई अने कुरुवते महापुरुष जी कथा चालू है अने एडा मर्चन देव अने एडा मामी देव साम साम एडा मर्चन देव अने एडा मामी देव कथा जी अंदर में वेठाई अने एडा मर्चन देव पण गट गोमली जी दार मथे पुगाई समय अने संजोग एडा मिलियाई गट गोमली मथे रोम सुम जो राजा चढ़ी अचे मामी देव गट गोमली जी अंदर में वेठाई अने एडा मर्चन देव पण घट गोमली जी अंदर में आई अने रोम सोम जो राजा गोमली मथे चढ़ी आयो है अने गलोले जा गा ते छोटा गलोले जा गा छोटाई तने मर्चन देव गोमली जी धार मथे उभी करे अने गलोले के पण जलियो ई ताकत भी विचार करे गनो एड़ा महापुरुष साधक हुआ जको गलोला पण जले गणो मर्चन देव जेड़ा गलोला आया न अड़ा साइड में रखींदा आया मामी देव अंतर ध्यान से गर गर नेरियोन तो ख्याल पियो कि गोमली मथे कीक घटना बनी रही है कीक बाजी बनी रही है मामी देव के ख्याल अची यो अंतर जामी वा कि आज घट गोमली मथे कीक खरेखर कीक घटना बनी है कीक बाजी बनी रही है तर मामी देव के ख्याल अची वियो कि हाणे कीक घटना घटी रही है तेरे महापुरुष मामी देव कुरु चेता
धर्म जुगा जुग वधियो अने बोध से नासी पाप ये जति गोल गजा करियो मामी डी उचे होते की सचरी निये हे साप हे देव साप रे हम गजू ने तुझ बड़ जितरा नी डाड़ा तू जियारी अंजन हम गजू ने तुझ बर जितरा नी डाड़ा तू जियारी अंजन हे त्राणी डाड़ा तू डीजे नी हे व्रजमी जीवारा हे देववार रे जब हे परमात्मा जगतपति महापुरुष मामी डी चेता के धर्म जोगा जोग वधे धर्म के कड़े पण आंच ना आवी अज मर्चन देव उन धर्म जी रक्षा करी रियाई जो को गट गोमली मथे जो को गलोला जो को छुटी रियाई इन गलोले के मर्चन देव जले रियाई मर्चन देव उन गलोले के जले रियाई अने गलोला जले जले अने बाजू में रखी दायाई तरे मामी देव के हाने ख्याल आयो कि हाने पान बारा आचो जेठवा मामी देव गटनु बारा आचे मामी डी जी साथे जेठवा पर रवाना थे आई कि देव आने पान बारा आलो सत्संग इते पूरो थी हुए अने मामी डी रवाना थी है ता जेठवे जे दरबार में जानू मामी डी पर साथी आई अने जेठवा पर अचे ता अने मामी डी जड़े सामे मर्चन देव के नेरोन तरे इनके हये में त्रास को उपयोग क्या हो कि आज मुझे पुत्र हेते की आयो कुरो घटना कुरो बाजी बनी है मर्चन देव जी साथे मामी देव चेता के पुत्र तो के धनी है आज तू धर्म जो रक्षण किए धर्म के बचाए मामी देव जो वर्णन करिए था चेतन के धर्म जुगा जुग वधी बोध से नासे पाप जिते गोयड़ गजा करी मामी देव चौते की संचरे साप जिते धर्म जो जिते वासो है इते अधर्म न अचे अनीति न अचे धर्म जो वासो गनी करे धर्म महापुरुष जी वाणी हृदय में जैसी उतरी वेन उनके सत्यता समझा जे उनके धर्म समझा जे महापुरुष मामी देव चेता के मर्चंद खरे कर धर्म जो रक्षक देश के आजाद करेला करे ही मर्चंद देव हिन भूमि मथि आयो है जो को महापुरुष मामी देव जी वाणी ही चेती के देश ला आजादी करेला करे अने मर्चंद देव पंजी कुर्बानी दिए था मामी देव अद इन गट गोमली मथि पंजी पुत्र जी बलिदानी देने ला करे ने पर तैयार थे ही आई रोम सुम जो राजा अचीरे हुए मामी देव के खबर पई कि आज गट गोमली मथे गलोले जा गा थे ही जाए समय जे साथे मामी देव मर्चन देव इते आयाई अने गलोला जिते छण्यावान इते अजी करे अने मामी देव ते उभाई मामी देव जे अखियुं जन उठाटण आंसू छण्याई के पुत्र तो के धन्य है आज तू धर्म जो खरेखर रक्षण किए पुत्र तो के धन्य है बेटा सामे थी रोम सुम जो राजा के खबर पई रोम सुम जो राजा ही थियो के शायद गट गोमली योरी ने भुका थई वे रोम सुम जो राजा अची करे अने जेड़ो गट गोमली जी धार मथे आया इन त एकड़ी गोमली जो त एकड़ो तणख पण न ओडियो एकड़ी तणख पण इनु नो डईवी रोम सुम जो राजा अची ने मर्चन के नेरेन अचंबे में पे वो उनके ख्याल आयो कि हो ही छोकरो ही बालक ही कुरो के तदे बालक के राजा पूछे कि महाराज असी हेटली बदी तोफ मारो क्यों हेटला बदा गलोने जा गा क्यों पर इन गोमरी जी तणख पण नाए ओडे यंजो कारण ही ये बच्चो है ई छोकरो गलोले जा गा जले
राजा अची ने पूछे कि बेटा तू कैजो पुत्र रही है चेतो का मामे ही देजो पुत्र रही है मुझे आवा आचे ता जेठ में जे साथी ही अने मुझे आवा इते अची रे आई छे रुम समझो राजा विचार के कि अगर कड़ाक मनीगनो के ई पुत्र कड़ाक पांचे देश में अचे तो शायद पांचे देश की रक्षा करे इंद्र बटलो ताकतवान है इतनी इतनी बती इनमें सूरता भी हिम्मत भी बुद्धि भी बुद्धिशाली भी अने बुद्धिजीवी मारुवो तरे राजा विचार के कदा के पुत्र के पान मंगी गिनो तो चे भले वांधो ना बेटा तुझा हुआ आचे था चे हाँ मुझा हुआ आचे था सामे मामे डियो के डिठो मामे डियो हले आचे अने रूम समझो राजा मामे डियो डियो वंदन करे तो कहे परमात्मा जगतपति दीनानाथ आके वारी वारी वंदन है राजा चे आज असी खरे खरन पुत्र जो पराक्रम डिठा सा इनजी शक्ति डिसा सा एंड इटली बदीन में शक्ति है किन शक्ति जो अपरम पार है जे जाए पिता में आयो ताकि वंदन है पर है परमात्मा जे कड़ा आई वचन दियो न तो आ वटे एकड़ी मांगनी केनी है अगर कड़ा आ जो वचन वे तो मंगो नका न समय जे साथे मामी देव महापुरुष समझदार वा मामी देव समझी वे गाल के कींक घटना घटे थी कींक भाजी बने थी अने कींक वस्तु अज थई रही है एटले अज राजा मोटन वचन मंगे थे पर खैर मामी देव चो के इनजी मुके को परवाह ना है अने महापुरुष मामी देव कुरुन उमारे जी स्वर जी अंदर में बे सूत्र जी अंदर में कुरो चाहता हे देव मुजा वचन ता मंगियो ए राजवी वचन ता हे दनूरे मामे हे देव रे उमारो हे वचन एडनूते अज देवनी मामी देव राजन के ही चाहता कि राजन अज मंगी गिनो छे आके कोर खपे छे वचन दई देनो मामी देव वचन दई देनो मारा उसरी ही चाहता कि है परमात्मा खरे खरे सिलवंता वो अने खरे खर जी अही करा आराधी वो ध्यानी वो ज्ञानी वो बुद्धिशाली वो बुद्धिजीवी वो अने खरे खर परमात्मा के अगर मन्या वो ताज ऐसा के मर्चंट खपे मां में दे जी पगे में जानू दूर किसी मां में दे जी अंतर में जानू आंसू रे जी धारा छुटी मां में दे खरे खरे हेपता जी अंदर थी के राजन आज कुरो मंगे आयो छे मंगे जड़ी वस्तु मंगो राजन मुझो आइए जो आ रहे मर्चन मुझो मुझो हृदय मर्चन आज कुरो मंगे आयो छे रूम समझो राजा चे तो को महाराज आज वचन है छे अने वचन अनुसार असी आज मंगे आयो छे आज वचन दई करे ना अगर आके ही थी तो वे कैसा के नाय दीणू तेते वचन भंग थी तो कारण क्या ही पिंड सतवा दिए हो ईश्वरी अंश हो परमात्मा जा अंश हो अने ऐसा के वचन दनो हो न ई वचन अज पूरो कर मामी डी जी अख में जनो आंसू ने जी धारा छुटी मामी डी जी अख में जनो ठण ठण आंसू वने तो मामी डी जो अंतर आत्मा रनु है कारण कि आज आइए जो हार मंगी हो आज कलेजे जो कटको मंगी गणे राजन
रूम सुमजो राजा आज मर्चेंट के मंगियो तेरे कुरु महापुरुष बोले तने कुरु चेत हे देव मुजा मर्चेंट ताडनु ते एडेवा छोटी ता ए आसुड़े जीडे ए दारनी उमारो ए छोटी ता ए आसुड़े जी ए दारनी ए दिव मुजा वचनता सुनी ने ए सतगुर जा बुरीता हे रुदन देव हे करे जब उमारो हे वचन ए सुनी ने हे सतगुर जा रे मामेड़ी जी अख में जनो चौदार आंसू दर दर आंसू छनी रहा है राजन अज न मंगे जी वस्तु मंगी रहा है पर डने वगर छुटको कारण के मामेड़ी वचन से बदाना आई मामेड़े वचन दई दिनो मामेड़े ईश्वरी अंशो आगम निगम अगोचर भूतकाल भविष्यकाल अने वर्तमान जी गालियों करे वारा व्यक्ति अज वचन दई दिनो रूम सुमजे राजा के पेंजो पुत्र अर्पण करे पेंजे पुत्र के अर्पण करे दिनो मामेड़े जो हृदय खाली थे रूम सुमजो राजा मर्चेंट के गनीविया रूम सुम महापुरुष हल्या आई अने महापुरुष मामी देव कुरो सैनी वाले के याद करिए था ने कुरो चेता के हे परमात्मा आज मुझे पुत्र जे वारे चढ़ जा डाडा कुरचे सैनी वाला तू डोलटा गत जा गोविंद गुरुसामी तू डोलटार हे तू टारिय त टरे नका चढ़ जे डाडा तू गत ने मर्चेंट जी हे वारा हे दिववार रे जद हे परमात्मा जगतपति हे सेनी जारा मामी दे अरदास के दानी मातंग सेनी जे रावटे अरदास क्यों गए डाडा अज जो जो पुत्रो रोम सुम जो राजा गनी गड़े इन जी वारे चढ़ जा गत जी वारे चढ़ जा डाडा अने मर्तन जी वारे चढ़ जा अज छेड़ा वजी ने मामे देव मातंग वटे महापुरुष सेनी जो रा धनी मातंग वटे अरदास क्यों यो अने मातंग देव चेता के पुत्र तू चिंता न कर जे महापुरुष मामी देव जी वाणी जी अंदर में मातंग देव अंतर ध्यान थी इनके कुरो चेता ने खूब गाल रूम सुम जो राजा के जाय जे जो बादशाह के जाय जो हे सेनी वारा डोलटार गत जा गोवंत गुरसामी तू डोलटार तू टारिय त टरे न का डाडा तू चढ़ जे अज मर्तन जी हे वार हे दिववार हे जगतपति मातंग देव आश्वासन दनो हृदय में मातंग देव उतरिया मामे देव याद क्यों कह परमात्मा अज मुझे पुत्र हले मुझे वही जो आर भी हुए मामी देव घट गोमली के छनिए था मामी देव घट गोमली में जानू रवाना थे आई अने कच्छ जी बॉमी मथे अचे था माँ बूरी मर्चेंट जी माँ दरवाजे मथे ओबी है कि मुझे पुत्र अजी आयो की
मां पूरी के चंदा थे मां पूरी जी अख में जानो ठठण आंसू छणियाई तने मामी देव कुरो पूरी के चहता के हे देवी ई तोजो पण पुत्र वो अने मुजो पण पुत्र वो ई पुत्र जको एन एन देश ला करे पंजी कुर्बानी दने अने जते पण वियो एन ई आबाद थींदो इते राजा हुंदो इते बादशाह हुंदो गरीबे जो उद्धार केंदो भारत देश के आजाद कराए भारत जको गुलामे जी जंजीरे में जको जकड़ेल वेन इनके आजाद कराला करे महापुरुष मामी देव पंजी कुर्बानी देई दनो पुत्र जी अज विचार करे गनो कि अगर पान कें के 2 रुपया दियूं तन ऊपर सेन नता करे सको पर मामी देव जड़ा मामी देव आज पजे पुत्र जो बलिदान दे देनो देश ला करे इन भारत ला करे इन रयत ला करे इन गरीब ला करे देश आजाद थियो अने मर्चन देव विदेश में हल्या आया शास्त्र ही चाहे तो के रोम समझो राजा जिते गिनी भी होन उते पण मर्चन आज अजर ने अमर है ई मामी देव माँ भूरी के कथा सुनाई है था अने माँ भूरी के कुरो चाहे था अने माँ भूरी के चाहे था कि तू चिंता न कर भूरी ये जते पण विवेन ये भारत देश जो खरे कर रक्षण कह दो भारत देश जो ना रोशन कह दो तू चिंता न कर ये पान जो को बलिदान दिनायुन पुत्र जो ये फैल नहीं वे भूरी मामी दे कुरो चाहे था हे देव मुजा वचनता सुनी ने ए सतगुर जा भूरी हे रुदन ता देव हे करे ज उमारो हे वचन ए सुनी ने ए सतगुर माँ भूरी अखियां में जनु ठण ठण आंसू व्याई माँ भूरी रोनी है परमात्मा जगतपति कदा कहीं जको पण कम क्यों यो न ई सारो क्यों यो अके धन्य है भारत देश ला करे भारत के आजाद करेला करे हिन गरीबे जो उधार करेला करे अने हिन समाज जो उधार करेला करे हिन संप्रदाय जो उधार करेला करे बारमती जो ना रोशन के हिन संप्रदाय जो ना रोशन के अज मर्चन देव रोम सोम जी अंदर में पुजी व्या अने माँ भूरी मामी देव माँ भूरी के सांत्वनु दनो माँ भूरी के यही चेता कि तू चिंता न कर मेरे सारो थी दो पर समय अने संजोग मिले आई अज भूरी देवी जगत मथानु विदाय करने जी तैयारी मामी देव के यही चेता कि हे देव अने मुझे समय थे रियो मुझे रजा दे अज मुझे पुत्र अंतिम जा दर्शन न थिया ई मुझे आइए जो आम रही वही पर जगत ला करे इन समाज ला करे इन संप्रदाय ला करे मातंग पंथ ला करे बारमती पंथ के आँच न आचे तेला करे अने गरीबे जो उधार करे ला करे इन भारत देश जो उधार करे ला करे मर्चन दई देनो इन गाल जो मुके अरमान ना है पर हाने मुझे समय थई रियो है देव मुके आई रजा दियो मां पूरी मामी देव जो खोरे में मथो पी हुए मामी देव भूरी के नीचा पट रखियो यो पट पथारी देवाणी है अने भूरी जा उते रुदन थियाई भूरी गुणे जी बडारवी पूरी अज हलई वई मामी देव जे गुणे के रुनाई अने मामी देव खुरो चाता भूरी तू बुज दिस में नैया वही गुणे जी भंडार जब हे मामी देव चो अज वी गुणे जी नी हे भंडारा हे देव भंडार रे पूरी भुज देश में नहीं है अने वी पुरनाय जी पानियार जब पूरी भुज देश अने वी पुरना जी पानियार हे वैता ए वही गमन करे मामी देव चे वी गुणे जी भंडारा हे वाल ए वही नी गुणे जी हे भंडार जनी
पूरी के भुबानार जा अने दिल मोडी जा डागंज पूरी के भुबानार जा અને દિલ મોડી જાડાગ હે આત્મ મે એ લગી વયાર મામે દેવ ચોવી નીલી નાગર વેલા હે વાલ એ ઉઈની નાગર હે વેલ જની આ દોઈને જાર અહીં જુનું પદર જ્વારી જાં જાં આ દોઈને જાર અને જુનું પદર જ્વારી જાં હે આત્મે એ લગી વ્યાર મામે દેવ છે પૂરી વસઈ લાખો દામ હે વાલ એ વસઈની દેવી હે લાખો જની જ માં પૂરી ખરેખર શાસ્ત્ર નહીં ચાહતો કે ગુરપ દરગાહ મે જા થઈ માં પૂરી કે ચંદ્રુ 3000 જે દામ મથે કોઠિયા ચેંદા જે ચંદ્રુ જે દાર નીચા ગર્ભ દરગાહ મે ઉતે 3000 દામ હે અજ પણ મહેશરી સમાજ 3000 જી યાત્રા કરે થી અને ઉતે મહાપુરુષ મામી દે પૂરી જા ખરે ખરે તે ગુણ ગાતો આયો મામી દે જે ગુણે કે રુનાઈ મામી દે ચંતા કે ગુણે કે સબ કોઈ રુએ અને અવગણ કે ન રુએ કોઈ મામી દે કે ખરે ખરે જે ગુણે કે રુનાઈ મામી દે અજન જી પૂરી કે ગુણે કે રુના મામી દે જે આત્મ જનુ આજ દેવી ખરેખર સ્વર્ગવાસી દાયવઈ મામી દેવ જગત જા પિતામાવા જગત કલ્યાણકારી વા ભૂરીલા કરે ને એટલો મંગ્યા કે હે પરમાત્મા જગતપતિ ઈ જેતે પણ વેન જેતે પણ જો શ્વાસ વે જેતે પણ જો રૂહ આત્મા વે એ સુખમય વે અને જગત જો કલ્યાણ કરે જેતે પણ વે જગત જો ઉધાર કરે એળો મહાપુરુષ મામી દેવ ભૂરીલા કરે ને વંદન કયો અને આજ પણ 3000 જી ધામ મથે ભૂરી માજી સમાધિ હે અજ હર સાલ જી અંદર મે ઉતે જા દર્શન થી હતા આ કડક સમય મળે તો મૈસી સમાજ કે વંદન કર્યા તો કડક પણ સમય મળે 3000 જી ભૂમિ મથે માં ભૂરી જા દર્શન કરી જા માં કે વંદન કરી જા બોલો ધણી માતંગ દેવ કી જય